कैसे जानकारी मिली कब? कल दिनांक 15/12/2021 को थाने पर सूचना मिली थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति शकुंतला देवी हॉस्पिटल के पास सर्विस रोड पर बंगाली चौराहे के पास थाना तिलक नगर में कोई व्यक्ति मृतक पड़ा हुआ है। इसकी सूचना पर से पुलिस थाना तिलक नगर की गई, मैं भी गया था साथ में, तो वहाँ देखा तो ऐसा लगा कि मतलब कुछ, तो उसको अस्पताल लेकर आए हम लोग, डेड बॉडी को, उसके व्यक्ति को अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया जी, मर घोषित कर दिया जी। तो उसकी डेड बॉडी में मर्चुरी रूम में रखवा दी गई और आज दिनांक को उसकी पोस्टमार्टम के लिए आई। पहचान कैसे हुई, शिनाख्त कैसे हुई उसकी, क्या बना था? पहचान उसके मतलब आस पड़ोस वाले दुकान वालों से पता किया तो उन्होंने बताया कि सर ये आसपास इधर ही घूमता रहता है इसके, और एक दो लोगों से संपर्क करते फिर इनके घर वालों का नंबर मिला तो इनको सूचना दी गई। तो करीब 11 बजे ये कंफर्म हुआ कि हाँ ये हमारे अंकल हैं, इनके घर वालों ने बताया तो इनको सुबह आने का बोला 10 बजे, तो आज ही आ गए हैं 10 बजे। कहाँ रहता थे ये? ये तो रहता था शकुंतला देवी, वहीं आसपास घूमता रहता था, मतलब रोड पर ही रहते थे। हाँ, रोड पर ही, वहीं दुकान के बाहर सोते थे, रिंग रोड पे सर्विस रोड पे सोते रहते थे। कोई नशा करने के आदी है? नहीं नहीं, कुछ नशा करता है। आपको परिचय दें? मेरा परिचय कांस्टेबल शुभम सिंह, थाना तिलक नगर। रोल आईडी नीचे कर लो भैया। क्या हुआ था, कैसे पता चला आपको? हमको थाने के दौरान कॉल आया, उससे हमें सूचित हुआ कि आपकी कोई परिजन है क्या ये जो एक्सपायर हुआ है, तो हमने उनसे व्हाट्सअप मंगवाया सर से, मोबाइल पे फ़ोटो देखा, फिर हमने बोला कि हाँ ये हमारे। कैसे हुई बात पता चला? नहीं, कोई कारण नहीं पता चला। 20 सालों से ये घर से बाहर रहते थे, मतलब अकेले रहने के आदी थे ये। अकेले रहना? हाँ, परिवार को छोड़ के रहने के आदी थे। क्या तो नाम था मैंने? राजेश परमार। क्या करते थे ये? ये प्रेस का काम करते थे। प्रेस का काम करते अपने कपड़े की? कब से घर छोड़ चुके थे? 20 साल से। बीच में आते करते थे, मिलते थे, 5-1 साल पहले मुलाकात हुई थी उनसे, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम